नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड पर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ एक सिंपल न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं, ये आपकी एग्ज़ाम में आया हुआ एक न्यूमेरिकल है। यहाँ हम देख सकते हैं कि G1 और G2 कैस्केड में कनेक्टेड है, तो इन दोनों ब्लॉक को हटाकर हम एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो G1 और G2 को हम एक सिंगल ब्लॉक G1 into G2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ हमें पता चल रहा है कि G4 और G3 पैरेलल में कनेक्टेड हैं, है ना। यहाँ दो सिग्नल पैरेलल में हम देख सकते हैं, एक सिग्नल और दूसरा सिग्नल, एक G3 से जा रहा है, एक G4 से जा रहा है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और हमको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों ट्रांसफ़र फंक्शन एड हो सकते हैं, तो हम इनको दोनों को हटाकर एक सिंगल ब्लॉक बना सकते हैं जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन होगा G4 प्लस G3, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ट्रांसफ़र फंक्शन एड हो जाते हैं। तो हमने G1 G2 को मल्टीप्लाई में और G4 G3 को एडिशन में लिखा। नेक्स्ट हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन और H1 यहाँ पर फीडबैक, यहाँ पे लूप बन रहा है तो फीडबैक नेटवर्क यहाँ पर एक बन रहा है, और फीडबैक नेटवर्क के लिए हमको पता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन होता है G/1+G(H). यहाँ G की वैल्यू G1 G2 है और H की वैल्यू H1 है। तो इस पूरे फीडबैक नेटवर्क को हम हटाकर एक सिंगल ब्लॉक लगा सकते हैं जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन होगा G1 G2/1+G1 G2 H1। यहाँ पर हमने इस फीडबैक नेटवर्क को सॉल्व कर एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। हमें यहाँ फिर पता चल रहा है कि ये वाला ब्लॉक और नेक्स्ट G4+G3 कैस्केड में कनेक्टेड है, तो फिर से इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों ब्लॉक को हटाकर एक सिंगल ब्लॉक में लिख सकते हैं जिसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ ये दो ब्लॉक कैस्केड में कनेक्टेड थे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम में हमको दिख रहा है कि फिर से यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क बन रहा है, फिर से यहाँ पर लूप बन रहा है, तो हम यहाँ फिर से इन दोनों को कंबाइन कर एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है GS, वो है G1 G2 into G4+G3/1+G1 G3 H1, और फीडबैक नेटवर्क का ट्रांसफ़र फंक्शन है H2। तो ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन हमें CS/RFS मिलेगा GS, मतलब ये पूरा G1 G2 into G3+G4/1+G1 G2 H1, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ G divided by 1 plus G, मतलब G1 G2 into G2 plus G4 divided by 1 plus G1 G2 H1 into feedback network H2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे LCM लेके तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा G1 G2 into G3 plus G4 divided by 1 plus G1 G2 H1 plus, यहाँ H2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं G1 G2 H2, यहाँ G3 था, into G3 plus G4, दिस इज़ द फाइनल आंसर, द रिड्यूस्ड ट्रांसफ़र फंक्शन।